मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो बुक आप करते ही रहते हैं उसके एक काफी बेहतरीन प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम आपका काइनेमेटिक्स का है। आपके पास ये बुक आपके पास होगी, ये देखिए किताब है। जनरली इस किताब को मैं यूज करता हूँ, राइट। तो इस बुक का जो प्रॉब्लम नंबर आपका है काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रेस्ट ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स, और इसका प्रॉब्लम नंबर 43, इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये प्रॉब्लम जो है बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें आपका रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया गया है, साथ में यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया गया है। तो प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। आपने पहले भी यदि नहीं देखा है तो पहले आप प्रॉब्लम को थॉरोली पढ़ लीजिए, उसको एक बार अटेम्प्ट लीजिए, और अटेम्प्ट लेने के बाद यदि आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं देन हमारे सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, समझिए, एंड देन फिर से दोबारा आप अटेम्प्ट लीजिए। तो देखिए प्रॉब्लम क्या कहा गया कि एक पर्सन है स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, एक ट्रक है जो कि चल रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से 14.7 मीटर पर सेकेंड से स्ट्रेट रोड पे चल रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, और उस पर एक पर्सन जो है जैसे मैं ही खड़ा हो गया या आप खड़े हो जाए। और इसके बाद कहा गया कि आपने क्या किया कि उस बंदे ने, उस पर्सन ने थ्रो किया एक बॉल को, और इस तरीके से थ्रो किया है जिससे कि वो रिटर्न करता है ट्रक को। ट्रक को रिटर्न करने का मतलब हो गया कि उसके हाथ में ही रिटर्न कर रहा है, राइट। उसके हाथ में ही रिटर्न, मतलब वो दोबारा उस बॉल को कैच कर लेता है, वो इस तरीके से उस बॉल को फेंक रहा है जिससे कि वो ट्रक को रिटर्न करता है आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर, राइट। 58.8 मीटर मूव करने के बाद दोबारा वो बॉल को कैच कर लेता है वो पर्सन, जैसे मैं हो गया या आप हो गए। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक, द की पॉइंट इज एज सीन फ्रॉम द ट्रक। यहाँ पे रिलेटिव वाली बात आ जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी मोशन है वो इनफैक्ट सारे ही रिलेटिव है। यदि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में मैं ग्राउंड के एस्पेक्ट में खड़ा हूं, तो इट्स द बेसिकली यहाँ पे कोई भी एज सच एब्सोल्यूट मोशन की तो बात ही नहीं होती है। यदि आपकी वेलोसिटी बोली जाएगी तो किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बोली जाती है, बट जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला नहीं जाता या कहा नहीं जाता है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो कहा गया कि भाई कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितने एंगल पे फेंका गया विद द हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बेसिकली चेंज करता रहता है विद द बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने से। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग दिखेगा, अलग होगा उसका, और यदि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे या रोड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका अलग होगा। अब समझते हैं पहले प्रॉब्लम को, फिर इसके बाद मैं एक बार सॉल्यूशन को ब्रीफ कर दूंगा जो मैं लिखा हुआ हूं। एक ट्रक है और ट्रक सपोज इस तरह से चल रही है और चलने की जो वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकंड है। आपने थ्रो कर सकते हैं, थ्रो तो आपकी अपनी मर्जी, जैसे कीजिए। आप ऐसे थ्रो कर सकते हैं, आप वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं, आप किसी एंगल पे ट्रक से थ्रो कर सकते हैं, बट यहां पे थ्रो इस तरह से करेगी जिससे कि आप फिर से उस बॉल को कैच कर लेते हैं, और ये तभी और तभी पॉसिबल है जबकि आपने ट्रक के रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड फेंका होगा, तभी जाके कैच कर सकते हैं, अदरवाइज कैच कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तभी तो जाकर के ट्रक के रिस्पेक्ट में जो बॉल होगा वर्टिकल मोशन लेगा ताकि आप जो है उस बॉल को क्या कर सकें, कैच कर सकें। और ट्रक के ऊपर आप रेस्ट में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और आपने फेंका है बॉल को, पार्टिकल को फेंका है। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप पार्टिकल को जब अपवर्ड फेंकते हैं, जब वहीं पर आप रहते हैं तो बॉल को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में ये बात है कि ट्रक के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली या डेफिनेटली बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तभी तो जाकर के उसे वो कैच कर पाएगा, राइट। बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और बेसिक इवेंट है ये। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में पर्सन ने उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, और वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में या ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉल की मोशन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यदि वो अपवर्ड फेंकता है कुछ वेलोसिटी यू आई से, सपोज मैंने यू आई ले लिया वर्टिकल को, वर्टिकल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन को मतलब वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस ले लिया है, तो वर्टिकली हमने बॉल को फेंका यू आई वेलोसिटी से। तो यदि वर्टिकली यू आई की वेलोसिटी से फेंका है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू आई ही रहेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रक की कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी ट्रक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी यू आई वर्टिकल अपवर्ड, वही सेम वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगी, राइट। ये पॉइंट है यहां पे। तो यदि मैं देखूं तो और कहूं तो ये बॉल की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी यू आई है, बेसिक बात समझिए, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में होती ना तब वेलोसिटी ये चेंज कर जाती ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और आपको पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक
along the y-axis यदि लिखते हैं तो velocity of the particle with respect to ground minus velocity of the truck with respect to ground along the y-axis. समझिए बात को, y एक्सिस में ट्रक की कोई वेलोसिटी नहीं है. तो यदि ट्रक की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो ट्रक के रिस्पेक्ट में होगी वही पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी रहेगी, जो कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रक along the vertical direction with respect to ground. अब velocity of the truck with respect to ground along the vertical direction zero है, right? तो ये वाली बात mathematically. Otherwise conceptually देखा जाए तो but and obvious है कि ट्रक की कोई motion ही नहीं है vertical upward, तो इसका मतलब particle की वही velocity होगी vertical में ट्रक के respect में वही जो कि ground के respect में होगी. तो simple सी बात है, एक तरह से ground के respect में vertical ui से फेंका गया. यदि vertical ui से फेंका गया है तो इसका मतलब time of flight देखा जाए तो 2ug होगा. बहुत ही बेसिक मतलब आप वो करके देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए यदि ग्रेविटी ग्रेविटी एज्यूम टू बी कांस्टेंट और आपका जो है जो एयर फ्रिक्शन है वो नहीं लिया जाए तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट जाने की जो वेलोसिटी होगी यू आई बाई जी होगी, उतना ही टाइम लेगा लौटने में भी, तो 2ug/g हो जाता है. बहुत ही बेसिक बात है, या तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं या सिंपल सी बात है y इक्वल टू जो डेल्टा y वो जीरो के इक्वल है. डेल्टा y मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द y एक्सिस, क्योंकि आप बॉल को फेंका फिर वहीं पर आ गया है तो डेल्टा y जीरो के इक्वल हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द y एक्सिस जीरो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आइए यहाँ पे माइनस जी के इक्वल रखेंगे, u की वैल्यू यू आई रख दीजिए, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2ug/g आ जाएगा. मेरी बात गौर से समझिएगा, राइट? तो 2ug/g आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2ug/g. इसका इतने ही टाइम में ट्रक जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 58.8 मीटर. यदि ट्रक 58.8 मीटर ट्रेवल कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड, तो मैं सिंपल सी बात है यदि ट्रक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14.7 मीटर पर सेकेंड है और 58.8 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है. तो 58.8 मीटर विल बी इक्वल टू 14.7 इनटू टी, तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी 4 सेकंड के इक्वल आ जाएगी. समझिए बात को, ये मैंने लिखा हुआ है 58.8 मीटर ट्रेवल्ड बाय द ट्रक ऑन द ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कितने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 14.7, तो टाइम सीधा सा बात है 4 सेकंड आ गया. इसका मतलब इस पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट जो एक्चुअली 4 सेकंड है. यदि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू आई बाई प्लेसिंग जी इक्वल टू 9.8, तो यू आई जो आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं बाय टेकिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरह से वर्टिकल वेलोसिटी इस पार्टिकल की जो हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहें या ट्रक के रिस्पेक्ट में कहें, दैट विल बी सिंपली 19.6 मीटर पर सेकंड. एक बात ये हो गई. अब तो हमें ये समझ आ गया कि भाई कि ट्रक के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को अपवर्ड फेंका गया है अब विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड. ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखा जाए तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब फेंका गया है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो जाएगी और वही वेलोसिटी होगी पार्टिकल के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कि ट्रक की होगी, तभी तो जाकर के उस बंदे ने उसको कैच कर लिया है, राइट? बात समझिए क्यों ऐसा है, क्योंकि पार्टिकल की जब ट्रक के रिस्पेक्ट में फेंकी गई थी तो केवल वर्टिकल फेंकी गई थी, हॉरिजॉन्टल तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसलिए कहा जाएगा कि पार्टिकल का देखा जाएगा तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी वही वेलोसिटी होगी जो कि ट्रक की है, और ट्रक की वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड है. तो जो बंदा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा होगा तो एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बंदे को जो है पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल इस डायरेक्शन में 14.7 मीटर पर सेकंड से जाएगा और वर्टिकली 19.6 मीटर पर सेकंड से जाएगा. तो यह क्या होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ ऐसा जाएगा, समझिए बात को, ये इस तरह से लेके जाएगा और जो रेंज होगा पार्टिकल का 58.8 मीटर होगा, उतना ही होगा जितना कि ट्रक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तभी तो बंदा वो कैच कर रहा है उसे, राइट? तो ये पॉइंट है यहां पे. तो इसका मतलब
पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, डेट विल बी द बेसिकली 14.7 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और वही थ्रू आउट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड रहेगी, ये बात है। अब पार्टिकल की पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेन थीटा इस वक्त मुझे देखना है, तो टेन थीटा का मतलब क्या, इस समय डायरेक्शन मोशन देखना है, वही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो ये जो आपका सिंपल वैक्टर एडिशन करते हैं उसी के बेसिस पे देखेंगे, इस वैक्टर को आप इधर कर सकते हैं, तो ऐसा पॉइंट बन जाएगा ये 19.6 मीटर पर सेकंड, दिस वन 14.7 मीटर पर सेकंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो गया, यही इसका डायरेक्शन मोशन होगा एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी vy डिवाइड बाय vx, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, दिस वन इज 14.7, तो tan थीटा ये आ गया। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो थीटा 53 डिग्री आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है। यहां पे कैसे, तो 4.9 से आप 4.9 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, करके देखिए आप, राइट, 4.9 इंटू 4 इट विल गिव 19.6, अब 4.9 इंटू 3 इट विल गिव 14.7, तो tan थीटा 4/3 आ गया। जब tan थीटा 4/3 होती है तो थीटा यहां पे 53 डिग्री होती है, तो इसका मतलब as seen from the ground the angle of projection with the horizontal will be 53 degree and the पार्टिकल विल हैव द पैराबोलिक पाथ एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, जबकि यहां पे ट्रक के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पाथ होगी वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। तो ये इस तरह से हमने यहां पे प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको बढ़िया प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इसके थ्रू आप पाथ के बारे में भी एक्स्ट्रा डिस्कस किया कि कैसा पाथ दिखेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने से। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने से पाथ अलग अलग हो जाती है, जैसे एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखा जाए जब वो मोशन में होते हैं नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। बट वहीं पे जो है पार्टिकल के पास जो हो सकते हैं दोनों प्रोजेक्टाइल के पैराबोलिक पाथ हो सकते हैं, जैसे मैंने एक पार्टिकल लिया, मैंने ऐसे फेंक दिया कुछ एंगल पे या ऐसा फेंक दिया, राइट, दोनों को, तो दोनों का पाथ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा, बट ये आपका जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, राइट। इसके ऊपर भी मैं कभी ना कभी फोकस करूंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा, राइट। ये पूरा चीज रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज़्यादा बता सकते हैं। साथ में हमने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन जो है डेवलप करा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन में एक तो आपका इरोडो वीडियो सॉल्यूशन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप जरूर से इंस्टॉल कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है, उसको इंस्टॉल कीजिए। और हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोज हैं जो कि आपके जेई मेन, जे एडवांस, नीट के प्रिपरेशन के लिए, क्लास 11th, क्लास 12th के प्रिपरेशन के लिए है, सब सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह के हैं, उसको जाके आप देखिए, उसका आप लाभ लीजिए, राइट। और हम लोग उसे कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग टाइम स्पैन लेके चल रहे हैं भाई, कि क्योंकि एक सिंगल चैप्टर तो है नहीं, पूरी पूरी सिलेबस करानी हमारे को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए, तो इसमें प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नई बात करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करते हैं, नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का, इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेन्स एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए, देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी
हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए, क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास टेंथ का है कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट है, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट।